दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे, द स्टोरी ऑफ एन आवर। दोस्तों इसको लिखा था एक अमेरिकन राइटर केट शॉपिन ने, और इस शॉर्ट स्टोरी को 1894 में लिखा गया था, 1894 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ये एक रियलिस्टिक फिक्शन है, मतलब जिस वक्त इसको लिखा गया था उस वक्त अमेरिकन लिटरेचर में रियलिज्म चल रहा था, अमेरिकन रियलिज्म का पार्ट है ये जो शॉर्ट स्टोरी है। इसके अलावा इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट। अब दोस्तों इसमें कोई सुपरनेचुरल एलिमेंट्स नहीं है या फिर कोई एंटरटेन करने के लिए स्टोरी नहीं लिखी गई है, ये वहाँ की डोमेस्टिक, यहाँ ये अमेरिका की डोमेस्टिक रियलिज्म को बताने के लिए स्टोरी लिखी गई है। उस वक्त वुमेन की कंडीशन क्या थी अमेरिका में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन एंटरटेनिंग नहीं है ये स्टोरी, बहुत ही फेमस भी है। तो जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी एक रियलिस्टिक फिक्शन है और इस कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एंटरटेनमेंट करने के लिए लिखा गया हो। पहले इस कहानी को द ड्रीम ऑफ एन आवर नाम से पब्लिश करवाया गया था वेग मैगजीन में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है लुइस मेलर्ड नाम की एक लेडी से जिसका दिल बहुत ही कमज़ोर है। इस लेडी का कमज़ोर दिल है, इस लुइस मेलर्ड की एक सिस्टर है जोसेफिन, इसको इसकी बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि एक बहुत ही बैड न्यूज़ आई है और वो बैड न्यूज़ इस लुइस की कंडीशन को और ज़्यादा बिगाड़ देगी। तो जितना शांति से हो सके उतना शांति से ये बड़ा कामली अपनी सिस्टर को बताती है कि उसके हस्बैंड ब्रेंटली मेलर्ड की ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, और ये बात ब्रेंटली के दोस्त रिचर्ड ने इसको बताई है इस जोसेफिन को। ये आदमी न्यूज़पेपर ऑफिस में था तो इसको एक्सीडेंट के बारे में पता चला, और इसी ने जोसेफिन को बोला कि आप ही इस ट्रेजेडी के बारे में अपनी बहन को बताइए। तो लुइस को अपने हस्बैंड की डेथ के बारे में पता चल जाता है। अब इस जगह कोई और वुमेन होती तो इस वक्त पैरालाइज हो जाती, लेकिन लुइस अपनी बहन जोसेफिन की आर्म्स में रोने लगी। बहुत देर तक सिसकने के बाद में, रोने धोने के बाद में उसे जब अपने दुख पर कंट्रोल आया तो वो ऊपर अपने बेडरूम में चली गई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। उसने मना कर दिया था जोसेफिन और रिचर्ड को उसके पीछे आने के लिए। अब अकेले में वो कमरे के अंदर एक चेयर पर बैठ गई। उसके सामने खिड़की खुली हुई थी, उसका चेहरा फीका पड़ गया था, वो थकी हुई सी लग रही थी। वो चेयर पर बैठी और विंडो के बाहर देख रही थी। विंडो के बाहर उसे क्या दिख रहा था, स्प्रिंग की नई हवा पेड़ों को हिला रही थी, बारिश की खुशबू बाहर से आ रही थी, नीचे गलियों में बर्ड्स की सॉन्ग्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसका फेस बस एक जगह रुक गया, बादलों के बीच में कटी हुई घास को उड़ते हुए देख रही थी वो, और ये सारे स्प्रिंग के एलिमेंट्स उसके सामने आ रहे थे। अब ये इसी बीच इसके अंदर फीलिंग्स आ रही थी बहुत सारी, जिसे ये टालने की कोशिश कर रही थी। ये कोशिश करने लगी कि इन सब फीलिंग्स को ये कंट्रोल कर सके। अब इन सब फीलिंग्स को ये परे करना चाहती थी और ये कंट्रोल कर भी लेती है। ये बड़ा अनगार्डेड मोमेंट था। इसके लिप्स जो आपस में जुड़े हुए थे वो अलग हुए उस टाइम पर, और इसके मुंह से कुछ वर्ड्स निकले। उसने रिपीट किया इन वर्ड्स को, फ्री फ्री फ्री, ये वर्ड्स थे। ये अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती थी अपनी हार्ट कंडीशंस की वजह से। अब क्या होता, उसके हार्ट की पल्स बहुत तेज़ हो गई, उसका खून उसकी बॉडी में दौड़ने लगा, लेकिन ये सब चीज़ें उसको रिलैक्स करने के लिए थी। वो जानती थी कि उसे बहुत दुख होगा जब उसके हस्बैंड की बॉडी को वो देखेगी, उसके ग्रे फेस को, जो फेस हमेशा उसे प्यार से देखा करता था। लेकिन तभी उसके दिमाग में ये भी आता है कि ये तो एक छोटा सा प्राइज था उसकी लाइफ ऑफ फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के लिए। जो लाइफ ऑफ फ्रीडम उसके सामने खड़ी है, फर्स्ट टाइम वो अपनी लाइफ में अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपने लिए जी सकती थी। लुइस को यहाँ पर रियलाइज़ हो रहा था कि उसे शादी के पावरफुल रूल्स का सब्जेक्ट नहीं रहना पड़ेगा अब, क्योंकि ह्यूमंस ब्लाइंडली एक दूसरे पर थूकते रहते हैं। वो ब्रेंटली से प्यार करती भी थी, नहीं भी करती थी, और फाइनली अब वो खुद को उस पोजिशन से फ्री मानने लगी थी। वो डिसाइड करती है कि ये वैल्यू ऑफ लव मैरिज बहुत छोटे हैं जब बात आती है फ्रीडम ऑफ विल की। अब वो थोड़ा खुश होकर बोलती है, फ्री बॉडी एंड सोल फ्री। अब इसके सिस्टर जोसेफिन को लगता है कि लुइस बेडरूम में रहकर अपने आप को और ज़्यादा बीमार कर लेगी, तो ये जाती है उसके पास ऊपर।
घुटनों पर बैठकर ये की होल में से देखती है कि इसकी बहन क्या कर रही है। फिर ये रिक्वेस्ट करती है कि बाहर आ जाओ, अपनी बहन से दरवाज़ा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो लुईस उसे जाने के लिए बोलती है कि मैं खुद को और ज़्यादा बीमार नहीं करूँगी। फिर वो अपनी इस खुशी को, अपनी नई लाइफ की, अपने इंडिपेंडेंस की खुशी को अपने तक ही रखती है। उसकी नई लाइफ जो कम्प्लीटली उसके हिसाब से अब फ्री होगी। अब वो अपनी लंबी उम्र के लिए प्रे करती है। ये अलग बात है कि एक दिन पहले ही उसने अपनी छोटी ज़िंदगी के लिए प्रे किया था, शॉर्ट लाइफ के लिए प्रे किया था। वो अपनी चेयर से उठती है, दरवाज़ा खोलती है और उसकी आंखों में अब एक चमक थी। वो अपनी बहन जोसेफिन को गले लगाती है। फिर ये दोनों बहनें सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है रिचर्ड के पास में, जहां वो नीचे खड़ा हुआ था। तभी क्या होता है, एक आवाज़ सी होती है दरवाज़ा खुलने की। विदाउट वार्निंग ब्रेंटली मैलार्ड सामने आ जाता है। दरअसल उसकी ट्रेन एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई थी, वो तो जानता भी नहीं था ऐसा कुछ हुआ है। अब लुईस जब उसे देखती है तो शॉक से चीख निकल जाती है उसकी और वहीं गिर जाती है। डॉक्टर्स आते हैं, उसकी बॉडी को एग्जामिन करते हैं। डॉक्टर ने बताया कि ये गुजर गई हैं, खुशी से गुजर गई। खुशी उसे अपने हस्बैंड के दोबारा लौटने की नहीं थी। दरअसल दोबारा लौटने पर तो उसको शॉक लगा था, अपने हस्बैंड के दोबारा लौटने पर उसको शॉक लगा था। खुशी तो उसे बस थोड़े टाइम के लिए मिली थी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को लेकर। तो ये थी कहानी दोस्तों। इस कहानी में 19th सेंचुरी की अमेरिकन सोसाइटी में जो वुमेन थी उसकी कंडीशन को बताया गया है। वुमेन को वहाँ पर उस टाइम पर इन्फीरियर समझा जाता था, वो अपने हस्बैंड पर या दूसरे मर्दों पर डिपेंडेंट रहती थी, ये बताया गया है। जिनका काम बस घर संभालना होता था, घर को मैनेज करना, हाउस होल्ड को, और अपने हस्बैंड की इच्छाओं के अकॉर्डिंग वह चलती थी। सिर्फ एक घंटे में उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था लुईस मैलार्ड ने यहाँ पर कि उसका हस्बैंड गुजर भी गया है। सिर्फ एक घंटे के अंदर उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसका हस्बैंड गुजर भी गया है और आगे आने वाली फ्री लाइफ उसे एक गिफ्ट की तरह मिली है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।